नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करेंगे जिसका रिश्ता इतिहास से है, संस्कृति से है और अब हर तरफ से उठ रही एक आवाज से है। ये कहानी है कुकी स्टेट की, एक ऐसी मांग जिसका मतलब सिर्फ एक नया राज्य बनाना नहीं है बल्कि अपनी पहचान, अपनी संस्कृति, अपनी जमीन को बचाना है। कुकी लोग, जिनका इतिहास बहुत पुराना है, जिन्होंने अपनी अलग पहचान बनाए रखा है, आज भी अपने हेक्यू के लिए लड़ रहे हैं। उनकी यह मांग सिर्फ राजनीतिक नहीं है बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक भी है। कुकी युवा भी इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं अपनी संस्कृति और विरासत को संजोने के लिए। बुजुर्ग अपनी कहानियों और परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं ताकि उनकी पहचान जीवित रहे। कुकी समुदाय की यह यात्रा संघर्ष और उम्मीद की कहानी है जो हमें उनके साहस और दृढ़ता की याद दिलाती है। कुकी लोगों का अपना एक अलग कल्चर है, अपनी परंपरा है, अपने रिचुअल्स हैं। उनकी ये पहचान उनके लिए बहुत मायने रखती है। उनके गीत, उनके नाच, उनके त्योहार, उनकी भाषा, ये सब उनकी अलग पहचान बताते हैं। ये अलग पहचान ही उनकी शक्ति है, उनकी एकता है। लेकिन सालों से ये पहचान खतरे में है। किसी भी कम्युनिटी के लिए उसकी संस्कृति उसकी जान होती है और कुकी लोग भी अपनी इस जान को बचाने के लिए आज भी लड़ रहे हैं। उनकी कला और शिल्प भी उनकी संस्कृति का हिस्सा है। बुजुर्ग अपनी कहानियां सुनाते हैं और युवा उन्हें सीखते हैं। इस तरह कुकी लोग अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। कुकी लोगों का रिश्ता अपनी जमीन से मां और बच्चे जैसा है। ये जमीन उनके लिए सिर्फ रहने की जगह नहीं है बल्कि उनकी पहचान है, उनकी संस्कृति है, उनके पूर्वजों की निशानी है। सालों से ये लोग इस जमीन पर रहे हैं, इसकी रक्षा की है। ये जमीन उनके लिए जीवन का आधार है। यहाँ की मिट्टी में उनकी मेहनत और पसीना मिला हुआ है। उनकी हर खुशी और गम इस जमीन से जुड़े हैं। लेकिन आज ये जमीन भी उनसे छीनी जा रही है। बाहरी ताकतें उनकी जमीन पर कब्जा कर रही हैं। कुकी स्टेट की मांग सिर्फ एक पॉलिटिकल डिमांड नहीं है बल्कि अपनी जमीन, अपने घर को बचाने की लड़ाई है। ये उनकी अस्तित्व की एलडीडी दिहाई है। कुकी लोगों का इतिहास बहुत वीर गाथाओं से भरा हुआ है। उनके साहस और संघर्ष की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं। अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने ऐसी लड़ाई लड़ी जिसको आज भी याद किया जाता है। इस संघर्ष ने उन्हें एकजुट किया और उनकी पहचान को मजबूत किया। कुकी रिबेलियन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें कुकी लोगों ने अपनी जमीन, अपनी आजादी के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया था। इस विद्रोह ने उनके साहस और दृढ़ता को दर्शाया। ये आंदोलन बताता है कि कुकी लोग कभी भी अपने हेक्यू के लिए लड़ने से पीछे नहीं हटे। उनके नेताओं ने इस संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनकी विरासत आज भी जीवित है। आज भी कुकी लोग अपने पूर्वजों के संघर्ष को याद करते हैं और उनकी वीरता का सम्मान करते हैं। उनके इतिहास का यह अध्याय हमें सिखाता है कि स्वतंत्रता और न्याय के लिए संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब देश को आजादी की लड़ाई लड़नी थी तो कुकी लोग पीछे नहीं हटे। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी INA में शामिल होकर अंग्रेजों से लोहा लिया। ये देश के प्रति उनकी भक्ति और समर्पण को दर्शाता है। कुकी लोगों ने हमेशा देश की एकता और अखंडता के लिए काम किया है। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारी। उनके नेताओं ने भी स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुकी महिलाओं ने भी INA के प्रयासों में सहयोग दिया। आजादी के बाद भी कुकी समुदाय ने देश की प्रगति में योगदान दिया। उनकी संस्कृति और धरोहर आज भी जीवित है जो उनकी पहचान को बनाए रखती है। आजादी के बाद से ही कुकी लोग अपने हेक्यू के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने अपनी अलग पहचान के लिए, अपने विकास के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए सरकार से कई बार गुहार लगाई है, लेकिन उनकी बात को अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। कुकी स्टेट की मांग कोई नई नहीं है, ये तो सालों से चली आ रही है। कुकी समुदाय के नेता और लोग लगातार अपनी मांगों को लेकर एकजुट होते रहे हैं। उनकी संस्कृति और परंपराओं को बनाए रखने के लिए भी उन्होंने कई प्रयास किए हैं। कुकी युवाओं ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। उनकी दृढ़ता और संघर्ष की भावना ने उन्हें कभी हार मानने नहीं दी। कुकी राज्य की मांग को लेकर उनकी एकजुटता और संघर्ष आज भी जारी है। कुकी लोग आज भी अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। उनकी आबादी कम है और उन्हें डर है कि कहीं उनकी संस्कृति और पहचान खत्म न हो जाए।
कुकी समुदाय को कई चुनौतियों का सामना करना पेडिड एकता है। उनकी संस्कृति और पहचान को बचाने के लिए उन्हें निरंतर संघर्ष करना पड़ी देता है। कुकी स्टेट उनके लिए एक तरह से सुरक्षा का काम करेगा। ये राज्य उनके अधिकारों की रक्षा करेगा और उन्हें सुरक्षित महसूस कराएगा। ये उन्हें वो अधिकार दे सकता है जिससे वो बिना किसी डर के अपनी जिंदगी जी सके। कुकी स्टेट के माध्यम से वे सशक्त हो सकते हैं और अपने अधिकारों का पूरा लाभ उठा सकते हैं। कुकी स्टेट के निर्माण से कुकी समुदाय अपनी संस्कृति को और भी मजबूती से जीवित रख सकेगा और समृद्धि की ओर भी आ सकेगा। दोस्तों, कुकी लोगों की कहानी सिर्फ उनकी नहीं है, ये कहानी उन सभी लोगों की है जो अपनी पहचान, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। आज जरूरत है उनकी बात को सुनने की, उनकी समस्याओं को समझने की। उनकी मांग सिर्फ एक नया राज्य बनाने की नहीं है, बल्कि अपने अस्तित्व को बचाने की है। कुकी लोगों की संस्कृति और इतिहास को जानना हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। हमें उनके संघर्ष और उनकी उम्मीदों को समझना होगा। उनकी कहानी हमें एकता और सह अस्तित्व का संदेश देती है। ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल ज़ालिमगाम मीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करेंगे जिसका रिश्ता इतिहास से है, संस्कृति से है और अब हर तरफ से उठ रही एक आवाज से है। ये कहानी है कुकी स्टेट की, एक ऐसी मांग जिसका मतलब सिर्फ एक नया राज्य बनाना नहीं है, बल्कि अपनी पहचान, अपनी संस्कृति, अपनी जमीन को बचाना है। कुकी लोग, जिनका इतिहास बहुत पुराना है, जिन्होंने अपनी अलग पहचान बनाए रखा है, आज भी अपने ही क्यू के लिए लड़ रहे हैं। उनकी यह मांग सिर्फ राजनीतिक नहीं है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक भी है। कुकी युवा भी इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, अपनी संस्कृति और विरासत को संजोने के लिए। बुजुर्ग अपनी कहानियों और परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं ताकि उनकी पहचान जीवित रहे। कुकी समुदाय की यह यात्रा संघर्ष और उम्मीद की कहानी है जो हमें उनके साहस और दृढ़ता की याद दिलाती है। कुकी लोगों का अपना एक अलग कल्चर है, अपनी परंपरा है, अपने रिचुअल्स है। उनकी ये पहचान उनके लिए बहुत मायने रखती है। उनके गीत, उनके नाच, उनके त्योहार, उनकी भाषा, ये सब उनकी अलग पहचान बताते हैं। ये अलग पहचान ही उनकी शक्ति है, उनकी एकता है। लेकिन सालों से ये पहचान खतरे में है। किसी भी कम्युनिटी के लिए उसकी संस्कृति उसकी जान होती है और कुकी लोग भी अपनी इस जान को बचाने के लिए आज भी लड़ रहे हैं। उनकी कला और शिल्प भी उनकी संस्कृति का हिस्सा है। बुजुर्ग अपनी कहानियां सुनाते हैं और युवा उन्हें सीखते हैं। इस तरह कुकी लोग अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। कुकी लोगों का रिश्ता अपनी जमीन से मां और बच्चे जैसा है। ये जमीन उनके लिए सिर्फ रहने की जगह नहीं है, बल्कि उनकी पहचान है, उनकी संस्कृति है, उनके पूर्वजों की निशानी है। सालों से ये लोग इस जमीन पर रहे हैं, इसकी रक्षा की है। ये जमीन उनके लिए जीवन का आधार है। यहाँ की मिट्टी में उनकी मेहनत और पसीना मिला हुआ है। उनकी हर खुशी और गम इस जमीन से जुड़े हैं। लेकिन आज ये जमीन भी उनसे छीनी जा रही है। बाहरी ताकतें उनकी जमीन पर कब्जा कर रही हैं। कुकी स्टेट की मांग सिर्फ एक पॉलिटिकल डिमांड नहीं है, बल्कि अपनी जमीन, अपने घर को बचाने की लड़ाई है। ये उनकी अस्तित्व की एलडीडी दिहाई है। कुकी लोगों का इतिहास बहुत वीर गाथाओं से भरा हुआ है। उनके साहस और संघर्ष की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं। अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने ऐसी लड़ाई लड़ी जिसको आज भी याद किया जाता है। इस संघर्ष ने उन्हें एकजुट किया और उनकी पहचान को मजबूत किया। कुकी रिबेलियन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें कुकी लोगों ने अपनी जमीन, अपनी आजादी के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया था। इस विद्रोह ने उनके साहस और दृढ़ता को दर्शाया। ये आंदोलन बताता है कि कुकी लोग कभी भी अपने हीकू के लिए लड़ने से पीछे नहीं हटे। उनके नेताओं ने इस संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनकी विरासत आज भी जीवित है। आज भी कुकी लोग अपने पूर्वजों के संघर्ष को याद करते हैं और उनकी वीरता का सम्मान करते हैं। उनके इतिहास का यह अध्याय हमें सिखाता है
कि स्वतंत्रता और न्याय के लिए संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब देश को आजादी की लड़ाई लड़नी थी तो कुकी लोग पीछे नहीं हटे। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी INA में शामिल होकर अंग्रेजों से लोहा लिया। ये देश के प्रति उनकी भक्ति और समर्पण को दर्शाता है। कुकी लोगों ने हमेशा देश की एकता और अखंडता के लिए काम किया है। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारी। उनके नेताओं ने भी स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुकी महिलाओं ने भी INA के प्रयासों में सहयोग दिया। आजादी के बाद भी कुकी समुदाय ने